फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, एक आपकी ऐसी समस्या का मैं समाधान लेके आई हूँ। हो सकता है वो प्रॉब्लम आप लोगों को भी हो, और ये टीनेज गर्ल्स को ज़्यादा होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में किसी भी फीमेल को हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। मतलब मैं बात करने वाली हूँ लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी, इस बीमारी को बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करती हूँ, जब टीनेज गर्ल्स होती हैं तो उनका वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी कि सफ़ेद पानी। अब उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हमें प्रॉब्लम है, यह क्यों होता है, और इस प्रॉब्लम को वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती। अपनी मदर के साथ करती है तब भी उन्हें शर्म आती है, या फिर अपनी फ्रेंड के साथ कर सकती है, लेकिन फ्रेंड के साथ डिस्कस करने में वो श्योर नहीं होती कि या मतलब जो फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया क्या ये सच है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत होता है तो ये नॉर्मल है, सबके साथ ही होता है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लिमिट से ज़्यादा होता है तब ये टेंशन वाली बात होती है। ठीक है, तो इस समस्या का मैं आपके लिए लेकिन समाधान लेके आई हूँ। अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है तो वो चलता है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, लिमिट से ज़्यादा होता है, आपकी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तब यहाँ पे सोचने वाली बात है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको एक इतना अच्छा देसी नुस्खा मैं बताने जा रही हूँ, और इसकी मतलब इस्तेमाल करने से, इसे यूज करने से आप लाइफ टाइम के लिए ही फ्री हो जाओगे। मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको यह प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, और हमेशा के लिए आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, कमेंट करके आप बीच में मुझसे पूछते हो कि मैम ने ये क्या बताया, आपने ये कैसे करना है, तो मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ आपको वीडियो के अंदर ही। लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये आपको नहीं बताया, तो उन लोगों को रिप्लाई में ज़रूर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है अंजीर। ठीक है, अंजीर एक मेवा होती है, अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, आप लोग उसे खाते भी हो। एक मेवा होती है, आपको यह किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, यह एक मेवा होती है, मतलब मैंने नाम लिया है अंजीर का। ठीक है, आपको नाइट में क्या करना है, चार पीस लेने हैं अंजीर के, चार मतलब उनको साफ पानी में अच्छे से आपको धो लेना है। धो के मतलब धोना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धोने के बाद आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है पानी। एक गिलास पानी में उन चारों को आप उसमें डाल दीजिए, डाल के उसे ढक के ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिए। अब आप मॉर्निंग में जब उठते हो, आराम से फ्रेश व्रेश होना, अपना जो भी आप करते हो सब कुछ करने के बाद, फ्री होने के बाद आपको लेना है खाली पेट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, जो चार पीस मैंने आपको बताए थे अंजीर के, उनको आपको खाली पेट खा लेना है, अच्छे से खाना है, चबा के खाना है। चबा के खाने के बाद अब उसका जो पानी बचता है उसे आपको फेंकना नहीं है। अगर आप, जैसे कि आप जानते हो कि अभी विंटर सीजन है, तो आप उस पानी को गर्म कर सकते हो, हल्का गुनगुना कर सकते हो, या फिर ऐसे ही पीना पसंद करते हो तो आप ऐसे भी पी सकते हो। ठीक है, उन चार पीसों को खा के और ऊपर से आपको यह पानी पी लेना है। आपको यह कितने दिन करना है, आपको रेगुलर करना है 1 मंथ के लिए, इसका आप ध्यान रखें, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट चाहते हो और जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं है बीच में। ये नहीं आपने एक दिन खाया 4 दिन नहीं खाया, एक दिन खाया 10 दिन नहीं खाया, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब कंटिन्यू करना है। ठीक है, करने के बाद आप 1 महीने के अंदर ही देखोगे कि आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जिस बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब किसी को भी आप बोल नहीं सकते थे, अपनी मदर को नहीं बोल सकते, किसी डॉक्टर से नहीं बोल सकते थे, तो इसी से करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर ही इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर आपको पूरी तरीके से इसे छुटकारा नहीं मिला है, मतलब अभी भी आपको यह प्रॉब्लम है, तो आप इसको और ले सकते हो, मतलब 1.5 महीना ले लीजिए, 2 महीने ले लीजिए, 3 महीने ले लीजिए, इसका आपकी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू आप इसे 3 महीने तक ले सकते हो, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों के लिए, इतना अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप खुद मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलोगे कि सच में यह एकदम नेचुरल है, इसका हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और हाँ, एक बार मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपका इसे लेने के बाद वजन बढ़ सकता है, क्योंकि वो मीठा होता है, जब उसको आप पानी में डाल के रखोगे तो उसका पानी है उसमें मिठास वाला पानी होगा, मीठा हो जाएगा, तो उसको गुनगुना या गर्म करके ही आप पिए। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना वेट गेन करना है, तो आप उसको ऐसे ही पी सकते हो। इसका आप ध्यान रखें, बस आपको और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।
ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके रखना, क्योंकि आपको वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो वहाँ पे मुझे क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय।